हमारा जो वाइटल साइंस हम जो बात कर रहे थे उसको अपन सबसे पहला जो वाइटल साइंस है हमारा वो है हमारा यहाँ पर ब्लड प्रेशर, जिसको अपन हिंदी में बोलते हैं रक्तचाप। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? रक्तचाप बोलते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले अपन ये देखते हैं कि ब्लड प्रेशर क्या होता है, किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा क्या होती है। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको पहले हिंदी में बता दूं, इसको इंग्लिश में दोनों में बताऊंगा फ्रेंड्स। तो हिंदी में लिखा, रक्त वाहिनियों के अंदर बहते हुए रक्त, यानी कि रक्त वाहिनियों के अंदर बहते हुए रक्त के द्वारा रक्त वाहिनियों की दीवारों पर लगाया गया दाब रक्तचाप कहलाता है। हमने यहाँ पर पढ़ा फ्रेंड्स कि रक्त वाहिनियों के अंदर जो बहता हुआ रक्त होता है उसके द्वारा रक्त वाहिनियों की जो दीवार होती है उस पर क्या करता है, वो दाब लगाता है। उसी दाब को अपन क्या बोलते हैं, रक्तचाप बोलते हैं या ब्लड प्रेशर बोलते हैं। इंग्लिश में इसको बोले तो हमने लिखा यहाँ पर, ब्लड प्रेशर इज द फोर्स ऑफ ब्लड। ब्लड प्रेशर क्या होता है, ब्लड का फोर्स होता है अगेंस्ट द वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स, यानी कि ब्लड प्रेशर की जो दीवार होती है, जो वॉल होती है, उसके अंदर ब्लड का क्या होता है, फोर्स होता है। वही फोर्स क्या कहलाता है, ब्लड प्रेशर के नाम से जाना जाता है। अब मैं फ्रेंड्स इसको डायग्रामेटिक व्यू से आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, हम यहाँ पर बता रहे, हमने जो लिखा हिंदी के अंदर, देखिए फ्रेंड्स हमने क्या लिखा, रक्त वाहिनी के अंदर। तो हमने पहले क्या बना दी, एक रक्त वाहिनियां बना दी, और उसके अंदर क्या बना दें, रक्त वाहिनियों के अंदर बहते हुए रक्त के द्वारा। देखिए फ्रेंड्स, रक्त वाहिनियों के अंदर ये क्या है, जो ब्लड है वो क्या हो रहा है, बह रहा है, यानी रनिंग कर रहा है। तो रक्त वाहिनियों के अंदर बहते हुए रक्त के द्वारा, किसके द्वारा, के द्वारा लगाया गया दाब, कहां पर लगाया गया दाब, रक्त वाहिनियों की दीवारों पर, हम इसे क्या बोलते हैं, रक्तचाप बोलते हैं। क्या बोलते इसको, हम रक्तचाप बोलते हैं। तो हमने यहाँ पर ये पढ़ा कि ये जो होती है हमारी, क्या होती है, ये रक्त वाहिनियां होती है। इस रक्त वाहिनियों के अंदर क्या चलता है, ब्लड का फ्लो होता है। तो ये जो ब्लड का जो फ्लो होता है, ये जो ब्लड का जो फोर्स होता है, किसके अगेंस्ट में, इस दीवारों के ऊपर, यानी कि इसकी जो रक्त वाहिनी की जो दीवार होती है उसके ऊपर क्या करता है, ये फोर्स डालता है, यानी दबाव डालता है। हम उसी दबाव को क्या बोलते हैं, रक्तचाप या ब्लड प्रेशर के नाम से जानते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको नहीं समझा फिर मैं आपको फिर से एक बार बताता हूँ। सिंपल सा भी हमने ये पढ़ा है कि क्या होती है, रक्त वाहिनियां होती है। इस रक्त वाहिनियों के अंदर क्या चलता है, रक्त चलता है। तो हमने यहाँ पर ये पढ़ा कि रक्त वाहिनियों के अंदर बहते हुए रक्त के द्वारा लगाया गया दाब, कहाँ पर दाब लगाएगा, रक्त वाहिनियों की दीवारों पर, हम उसे क्या बोलते हैं, रक्तचाप बोलते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये हमने पढ़ ली, इसकी परिभाषा पढ़ ली। अब अपन देखते हैं इसकी नॉर्मल वैल्यू क्या होती है, रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर की नॉर्मल वैल्यू क्या होती है। तो हमने यहाँ पर लिखा है 120/80 mm ऑफ Hg। Hg क्या होता है, मर्करी होती है, और 120/80 mm। अब हम यहाँ पर देखते हैं ये तो क्या होगी, इसकी नॉर्मल वैल्यू होगी। अब अपन देखते हैं यहाँ पर कि जो ऊपर जो वैल्यू लिखी है, ऊपर वाली वैल्यू होती है, हम उसे क्या बोलते हैं, सिस्टोलिक बीपी बोलते हैं। मतलब इसको सिस्टोलिक बीपी बोलते हैं, और जो नीचे वाली जो वैल्यू है हम उसे क्या बोलते हैं, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम इसको कैसे एक्सप्लेन करते हैं, देखिए 120 mm ऑफ Hg क्या होता है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है, और इसी प्रकार जो नीचे 80 लिखा हुआ है हम इसे क्या बोलते हैं, डायस्टोलिक बीपी बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब अपन देखते हैं यहाँ पर कि इस वाली रेंज से, ये जो नॉर्मल जो वैल्यू है, इस वाली रेंज से अगर वैल्यू ऊपर बढ़ जाती है या वैल्यू कम हो जाती है तो क्या होगा। तो हमने यहाँ पर लिखा है एबनॉर्मल कंडीशंस हो जाती है, हमसे क्या बोलते हैं, देखिए फ्रेंड्स एक टर्म्स होती है मेडिकल टर्म्स जिससे बोलते हैं हाइपरटेंशन। पहले क्या होती है, हाइपरटेंशन। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स हमने लिखा है हाइपर, हाइपर का मीन्स होता है फ्रेंड्स हमेशा क्या होता है, इंक्रीज यानी बढ़ जाना। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हाइपरटेंशन क्या होता है, तो ब्लड प्रेशर राइजेस अबाउट नॉर्मल, यानी कि जो नॉर्मल वैल्यू है हमारी उससे क्या होगा, ब्लड का प्रेशर बढ़ जाएगा। उस कितना बढ़ेगा, यानी कि 120/80 ये क्या हमारा नॉर्मल वैल्यू है, अगर उस वैल्यू से अगर ब्लड का प्रेशर बढ़ जाता है कहां तक आ जाएगा, तो हम यहाँ पर लिखते हैं अपन 140/90 mm ऑफ Hg। तो हम उसे क्या बोलते हैं, हाइपरटेंशन। जब ये वैल्यू आपके सामने दिखती है तो हम उसे क्या बोलते हैं, हाइपरटेंशन बोल देते हैं। हमने यहाँ पर ये पढ़ा फ्रेंड्स कि ब्लड प्रेशर का जो प्रेशर होता है अगर वो नॉर्मल वैल्यू से, नॉर्मल वैल्यू हमारी कितनी थी 120/80, अगर उससे बढ़कर कितनी पहुंच जाती है 140/90 हो जाती है, तो हम उसे क्या बोलते हैं, हाइपरटेंशन बोलते हैं फ्रेंड्स। अब इसी प्रकार से सेकंड जो हमने लिखा है टर्म्स होती है वो हमारी कौन सी है, हाइपोटेंशन। यहाँ देखिए क्या लिखा हमने, हाइपो, हाइपो का मीन्स क्या होता है, डिक्रीज होना यानी कम हो जाना। तो यहाँ पर देखिए अगर ब्लड का जो प्रेशर था वो नॉर्मल वैल्यू से कम हो जाए, नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है हमारी 120/80 हमारी नॉर्मल वैल्यू है, अगर उससे कम हो जाए तो हम इसका बोलते हैं हाइपोटेंशन बोलते हैं। और हाइपोटेंशन कब होगा, जब वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास 110/70 mm ऑफ Hg, जब ये वैल्यू हमारे सामने दिखाई देती है तो हम क्या बोलते हैं, हाइपोटेंशन बोलते हैं। तो फ्रेंड्स ये हमने डिस्कस कर लिया यहाँ पर ब्लड प्रेशर के बारे में कंप्लीट। ठीक है फ्रेंड्स।
फ्रेंड्स, अब अपन बात करेंगे ब्लड प्रेशर के बाद अपन ये देखते हैं एक टर्म्स है उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं हॉस्पिटल अंदर। ये बहुत ही आपके लिए यूजफुल रहेगा, तो फ्रेंड्स अच्छे से इसको देखना। हमने यहाँ पर जो लिखा है वो है MABT कैपिटल लेटर में। इस M का मीन्स होता है मीन, A का मीन्स होता है आर्टेरियल, B का मीन्स होता है ब्लड एंड C का मीन्स होता है प्रेशर। यानी कि अब आपको मैं ये बताऊंगा कि मीन आर्टेरियल ब्लड प्रेशर कैसे निकालते हैं हॉस्पिटल के अंदर या एग्जाम के अंदर। बहुत बार क्वेश्चन आता है कि MABP निकाल के बताओ आप कैसे निकालोगे, मीन आर्टेरियल ब्लड प्रेशर क्या होता है, कैसे निकालते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस मीन आर्टेरियल ब्लड प्रेशर की जो नॉर्मल वैल्यू होती है वो कितनी होती है। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, नॉर्मल वैल्यू जो होती है 93.33, ये क्या होती है, इसकी नॉर्मल वैल्यू होती है। अब फ्रेंड देखिए कि 93.33 कैसे आया, मैं आपको बताता हूँ अपने एक एग्जांपल से समझ इस चीज को। तो देखिए फ्रेंड्स, नॉर्मल ब्लड प्रेशर हमने क्या पढ़ा था, 120/80 mmHg, ठीक है फ्रेंड्स। अब इस 120/80 mmHg से अपन, मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे 93.33 वैल्यू आई हमारे पास, वो आप देखिए फ्रेंड्स। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका एक फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूले को अपन क्या करेंगे, इसके अंदर ही वैल्यू रखते हैं। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है मीन आर्टेरियल ब्लड प्रेशर का, देखिए फ्रेंड्स, तो हम लिखते हैं यहां पर सिस्टोलिक प्लस 2 × डायस्टोलिक प्रेशर, सिस्टोलिक प्लस 2 × डायस्टोलिक प्रेशर डिवाइडेड बाय 3। ये क्या होता है, इस MABP यानी कि मीन आर्टेरियल ब्लड प्रेशर का क्या होता है, फॉर्मूला होता है। अब देखिए फ्रेंड्स कैसे इस वैल्यू मैं आपको फाइंड आउट करके बताता हूँ। तो सबसे पहले अपन लिखते हैं सिस्टोलिक, यानी कि ये हमारे कौन सा वैल्यू है, सिस्टोलिक वैल्यू है, तो हमने लिखते हैं यहाँ पर 120 लिख दिया। फिर क्या लिखा यहाँ पर प्लस, तो हमने यहाँ पर प्लस लगा दिया। फिर लिखा ब्रैकेट और ब्रैकेट में क्या लिखा 2 और इंटू का इंटू, अब यहाँ पर लिखा है डायस्टोलिक प्रेशर, तो डायस्टोलिक प्रेशर कितना था, नीचे लिखा फ्रेंड्स यहाँ पर लिखा 80, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 80 और डिवाइडेड बाय 3। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, तो नेक्स्ट लिखते हैं 120 का 120 लिख देंगे, प्लस का प्लस, यहाँ पर हम क्या करेंगे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, तो ब्रैकेट कितना आएगा 8 × 2 16, यानी कि 160 आएगा और डिवाइड बाय 3, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए फ्रेंड्स इन दोनों को अपन प्लस करेंगे, ऊपर वाली जो वैल्यू है तो कितना आएगा 0 × 0 6 + 2 8 1 + 1 2 280/3। अब जब इसको अपन डिवाइड करेंगे तब देखिए फ्रेंड्स कितना आता है, तो यहाँ पर देखिए 280/3 3 × 3 से कितना जाएगा 9 × 3 = 27, तो 8 में 7 का 1, ये 0 नीचे आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। 3 को करेंगे कितने बार, 3 × 3 = 9, 1 पॉइंट लगाएंगे 0, तो ये आएगा वैल्यू आपके पास, ये देखिए फ्रेंड्स 93.3। ये हमने यहाँ पर क्या कर दिया, MABP यानी कि मीन आर्टेरियल ब्लड प्रेशर को हमने क्या कर दिया, यहाँ पर फाइंड आउट कर लिया कैसे ये वैल्यू हुई। तो आप ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर लिखा मेन आर्टेरियल ब्लड प्रेशर जिसकी नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है 93.3 mmHg होती है, और इसको फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, तो ये फॉर्मूला हमारे पास, तो हमने लिखा यहाँ पर सिस्टोलिक प्लस 2 × डायस्टोलिक प्रेशर बाय 3। तो जब इस वैल्यू के अंदर ये वैल्यू अपन क्या करेंगे, फॉर्मूले के अंदर वैल्यू को रखेंगे, पुट आउट करते हैं, तो हमारा आंसर यहाँ से निकल जाता है 93.33। अब आपके सामने एग्जाम के अंदर कोई भी क्वेश्चन आता है, जैसे मान लो अगर दे दिया 140/90 आपको दे दिया है, ठीक है, वैल्यू डायरेक्ट की है MMHg की वैल्यू डायरेक्ट की है। सेकंड एग्जांपल पर देखते हैं, तो आपको क्या करना है, सिंपल सा आपको ये देखना है कि 140 क्या आपके सिस्टोलिक वैल्यू है, ये लिखिए 140 प्लस डायस्टोलिक वैल्यू कितनी 90 है, तो इसको 90 को क्या करेंगे 2 से 90 को मल्टीप्लाई करेंगे बाय करेंगे 3 से, फिर अपन लिखेंगे 140 प्लस 9 × 18 यानी कि 180 बाय 3, ठीक है फ्रेंड्स। अब अपन इसको प्लस करेंगे, कितना आएगा 0 × 0 8 × 4 = 12 1 × 1 = 1 2 1 3 320/3। अब जब 320 को अपन इस चीज से डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगा, इसका मीन आर्टेरियल ब्लड प्रेशर निकल जाएगा। तो इस तरीके से फ्रेंड्स हम क्या कर देंगे, MABP को यहाँ पर फाइंड आउट करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स।